अंजना, अंजना रानी की दशा ठीक नहीं लग रही। ये अपने प्राण दे देगी किंतु संकल्प नहीं त्यागी। देखा वरुण देव, आपने जिस हनुमान के विरुद्ध ये सब किया, आज उसी ने आपके पुत्र की रक्षा की। मैंने कहा था ना वरुण देव, हनुमान सबके संकट हरता है। अपने प्रतिद्वंदी के भी संकट हर लिए हनुमान ने। वरुण देव, अब तो आपको किसी अन्य स्पर्धा की आवश्यकता नहीं है। अब तो आपको ज्ञात हो ही गया होगा कि हनुमान और गव में श्रेष्ठ कौन है। संकट मोचन महाबली हनुमान की जय। 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 पिताश्री, मेरे पुत्र गांव, मेरे पुत्र गांव, पिताश्री। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम देवगणों। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। प्रणाम देवर्षि। कल्याण। ये सब आपके आशीर्वाद और माँ के आशीर्वाद के कारण ही हुआ है। प्रणाम सूर्यदेव, हनुमान ही आपका शिष्य बनने के योग्य है। मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुदेव। आज ये सिद्ध हो गया है कि हनुमान ही योग्य शिष्य है सूर्यदेव का। उस काल कुंभ के खुलने की ध्वनि के साथ ही वो देखिए, अन्य काल कुंभ भी खुलने आरंभ हो गए हैं। शिष्य करता कार्य संपन्न, सूर्यदेव हुए प्रसन्न। काल कुंभ का हो भंजन, गुरु का था यही प्रयोजन। बंधकों को दे दिया त्राण, मुक्त हुए अब उनके प्राण। ज्ञान बल स्वरूप है हनुमत, उनकी लीला है अद्भुत। और आज हनुमान के कारण ही देव पुत्र और ऋषि पुत्र, यक्ष पुत्र, जो भी काल कुंभ में बंदी थे, आज मुक्त हो गए। आप सभी देवताओं को हमारा प्रणाम। इस प्रणाम के अधिकारी महाबली हनुमान है पुत्रों। सुमेरु के युवराज केसरी और अंजना के पुत्र हनुमान ने ही तुम्हें इस बंधन से मुक्त किया है। हम सबके संकट हरने वाले संकट मोचन हनुमान, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप सबको भी प्रणाम। हनुमान, मुझे गर्व है तुम पर, तुम इस प्रतिस्पर्धा में विजयी रहे।
दिन के उजाले में कक्ष में यूं अंधकार जैसा क्यों कर रखा है पुत्र दशानन ने? दशानन, बड़े प्रसन्न दिख रहे हो पुत्र। प्रसन्नता की तो बात है ना माते। माते, अब सर्वत्र मेरे अनुकूल हो रहा है। मेरे रक्ष योद्धा इस संसार के हर स्थान से हर एक नर बालक का अपहरण करके उस दंडक वन में एकत्र कर रहे हैं और वो सूर्य लोक में तुच्छ वानर बालक जो मेरा मार्ग का कंटक बना हुआ है वो भी हटा जा रहा है। काल कुंभ में उसे बंदी बनाया जा रहा है सदा सदा के लिए। मुक्त हो चुका है वो वानर। काल स्तंभ से बाहर निकलने में उसने सफलता हासिल कर ली है। जो पहले से काल कुंभ में बंदी नागपुत्र और देवपुत्र आदि थे उनको भी सफलतापूर्वक बाहर निकाल चुका है। पुत्र, तुम्हें अब कुछ विशाल करना होगा। जानता हूं माते, मुझे करना क्या है? पुत्र हनुमान, तुमने स्पर्धा के लिए जिन वरदानी शक्तियों का त्याग किया था अब उन्हें वापस पाने का समय आ गया। अपनी वरदानी शक्तियों का आवाहन करो पुत्र। जैसी आपकी आज्ञा देवराज। मैं केसरी नंदन अंजने हनुमान अपनी वरदानी शक्तियों को प्राप्त करने के लिए उनका आह्वान करता हूँ। हे समस्त वरदानी शक्तियाँ पुनः मुझ में समाहित हो जाएं। प्रसन्न हो लो हनुमान, किंतु तुम्हारी ये प्रसन्नता अधिक समय तक नहीं टिकेगी। तुम्हारे कारण सबके समक्ष मुझे शीश झुकाना पड़ गया। तुम्हारी आगे की शिक्षा निष्कंटक नहीं होने दूंगा मैं। बस भी करो अंजना, क्या करूं, कैसे समझाऊं अंजना को? हे प्रभु, अब आप ही का आसरा है, अंजना के नेत्रों की रक्षा करिए। रानी जी बहुत कष्ट में, नेत्रों की दृष्टि भी जा सकती है इनकी, क्या कर सकते हैं मार्जरिका? बस भगवान से प्रार्थना करो कि हनुमान की कुशलता का समाचार मिल जाए और इसका व्रत पूर्ण हो जाए। पुत्री अंजना, रुक जाओ पुत्री अंजना। तुम्हारा व्रत सफल हो गया है पुत्री, हनुमान पर से संकट टल गया है। अब अपनी तपस्या ही रोक दो पुत्री।
हनुमान से संकल्प टल गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। अंजना, सुना तुमने, तुम्हारी तपस्या सफल हो गई। हनुमान कुशलता से है। हे सूर्यदेव, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हे ऋषिवर, मेरे पुत्र की कुशलता का समाचार देकर आपने मेरे व्यथित हृदय के सारे दुख दूर कर दिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अंजना, अंजना, क्या हुआ अंजना? स्वामी, मुझे सब धुंधला दिखाई दे रहा है। साहस रखो अंजना, सब ठीक हो जाएगा। पुत्री, तुम अनिमेश व्रत के कारण निरंतर सूर्य पर दृष्टि टिकाई हुई थी, इसलिए सामान्य प्रकाश में दृष्टि धुंधला गई है। कुछ समय लगेगा उसे वापस आने। सेविका, चल लाओ। जी महाराज, मैं लाती हूँ। अंजना, ये लो अंजना, अपने नेत्र धो लो। हे महादेव, मेरी अंजना के नेत्रों की रक्षा करना। महाराज, कहाँ हैं आप? स्वामी, स्वामी। अंजना, ऋषिवर, देखिए ना क्या हो गया अंजना को। हाँ ऋषिवर, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। में आपका स्वागत है मामा श्री। पताली का पुत्र वेदम का भी प्रणाम स्वीकार करें मामा श्री। उग्रदन का भी प्रणाम स्वीकार करें मामा श्री। बस उग्रदन, बहुत स्वागत हुआ। बहन पाताल का कहा है? अब कोई अवरोध नहीं आएगा तुम्हारी शिक्षा में हनुमान। आज का दिन तो निकल गया, कल से विधिवत
तुम्हारी शिक्षा पुनः आरंभ होगी। अवश्य गुरुदेव, मैं समय पर उपस्थित हो जाऊंगा। प्रणाम भैया दशानन। कैसी चल रही है, यज्ञ की स्थिति क्या है? आप चिंता ना करें भैया, यज्ञ भली भांति निर्विघ्न रूप से चल रहा है और जिस दिन यज्ञ पूर्ण होगा उस दिन आपको यज्ञ के फल के रूप में परम पद की प्राप्ति होगी और उस दिन रक्ष ध्वज को तीनों लोकों में फहराने से आपको कोई नहीं रोक सकेगा। कल्याण हो जाएगा राक्षसों का। उत्तम, अति उत्तम। परंतु तुम्हें एक और कल्याणकारी कार्य करना है बहन। अवश्य भैया, मैं अवश्य पूर्ण करूं। आप आज्ञा दीजिए, क्या कार्य करना है? सूर्य देव का तप चुराना है। हाँ। किंतु भैया, सूर्य देव का रथ तो उसके अश्वों के बिना नहीं चुराया जा सकता। यदि ऐसा हो सकता तो मैं यह कार्य कितना पहले कर चुकी होती। मेरा यह यज्ञ तो उन दिव्य अश्वों की बलि से शीघ्र ही पूर्ण हो सकता है एवं अभिष्ट बल भी शीघ्र प्राप्त हो सकता है। तो ये अश्व पहले क्यों नहीं चुराए? ये कार्य पहले क्यों नहीं किया? क्योंकि भैया दशानन, वो दिव्य अश्व हैं। उन्हें देवों के मंत्रों के बिना नियंत्रित नहीं किया जा सकता, इसलिए यह कार्य असंभव है। असंभव, असंभव जैसा शब्द रावण को शोभा नहीं देता। और यही एक कार्य है जिससे उस वानर बालक की शिक्षा को बाधित किया जा सकता है। किंतु भैया, देव मंत्र तो देवताओं की धरोहर है। उसका भी प्रबंध हो जाएगा। कुछ भी करके उस वानर बालक की शिक्षा रोकनी है।